क्या हो अगर आप जिस घर में रहते हो अगर उस घर में टाइगर आ जाए तो आप क्या करोगे। स्टोरी पॉइंट प्रेजेंटिंग वर्डिंग ब्राइड। इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं एक कार ट्रक के अंदर रेडियो पे बता रहे होते हैं आज बहुत तेज तूफान आने वाला है। तभी वो ट्रक रुक जाता है और उस ट्रक के पास एक दूसरा ट्रक आता है। फिर दूसरे ट्रक में से जॉन निकलता है और बोलता है मैंने जो बोला था वो लेकर आए हो। तो पहले ट्रक वाला बोलता है जॉन से कि अपना परमिट दिखाओ। तो फिर जॉन अपना परमिट दिखाता है। फिर दिखाते हैं पहले ट्रक वाला अपने ट्रक के साथ एक बंगाल टाइगर लेकर आया होता है। फिर ट्रक वाला जॉन से बोलता है तुम इसका क्या करोगे। तो जॉन बोलता है कि वो एक सफारी पार्क खोलने वाला है। और यहाँ पता चलता है कि उसने जॉन से परमिट क्यों मांगा था। आगे ट्रक वाला जॉन से बोलता है ये बहुत खतरनाक टाइगर है, ये 2 हफ्तों से भूखा है, इसको काबू करने के लिए इसको भूखा रखना जरूरी है। और जॉन अपने साथ उस टाइगर को लेकर घर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर केली अपने भाई टॉम को एक केयर सेंटर में छोड़ने आती है क्योंकि केली का भाई टॉम एक अब नॉर्मल चाइल्ड है और केली कॉलेज में पढ़ती है, वो टॉम को अपने साथ कॉलेज में नहीं रख सकती है। केयर सेंटर में टॉम का एडमिशन हो जाता है पर तभी केली को पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है, उसके स्टेप फादर जॉन ने सारे पैसे निकाल कर अकाउंट बंद करा दिया है। और यहाँ पता चलता है जॉन केली और टॉम का स्टेप फादर है और इन दोनों की माँ नहीं है। और फिर टॉम का एडमिशन नहीं हो पाता है और केली टॉम को लेकर अपने घर आ जाती है। दूसरी तरफ जॉन अपने पूरे घर को मतलब दरवाजों खिड़कियों को लकड़ी से बंद करवा रहा होता है क्योंकि वहाँ बहुत तेज तूफान आने वाला होता है। फिर केली अपने घर पहुंचकर जॉन से बात करती है उसने उसके अकाउंट से पैसे क्यों निकाले। केली बोलती है वो पैसे टॉम की देखभाल के लिए थे पर जॉन बोलता है वो तुम्हारे पैसे नहीं थे, वो तुम्हारी माँ के पैसे थे। जॉन बताता है कि उसको एक सफाई पार्क खोलना है, उसके लिए उसने पैसे निकाले हैं। जॉन बोलता है तुम्हारी माँ ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है, इसका मतलब ये सारा पैसा मेरा है और टॉम मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पता चलता है कि केली की माँ ने सुसाइड की थी। फिर टॉम केली के पास आकर बोलता है उसको भूख लगी है। केली टॉम को ब्रेड और जैम देती है और दोनों टीवी पर अपनी माँ की पुरानी वीडियो देख रहे होते हैं। तभी केली अपने कॉलेज फोन करती है और बताती है कि वो कॉलेज अभी ज्वाइन नहीं कर सकती है क्योंकि उसे अपने भाई टॉम की देखभाल करनी है। अब केली टॉम से बोलती है उसका सोने का टाइम हो गया है। केली टॉम को रूम में लेके जाती है तभी कोई आदमी टाइगर को घर के अंदर छोड़ देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं केली एक सपना देखती है जिसमें वो टॉम को जान से मार देती है और तभी केली की आंख खुल जाती है। अब केली टॉम के रूम में जाती है और देखती है कि टॉम सो रहा होता है। उसके बाद केली पानी पीने के लिए नीचे जाती है तभी उसको टाइगर के दहाड़ने की आवाज आती है। वो देखने जाती है आवाज कहाँ से आ रही है तो केली देखते है कि घर में टाइगर घूम रहा होता है जिसे देखकर केली बहुत डर जाती है। और फिर वो एकदम से ऊपर जाती है, ऊपर जाकर खिड़की खोलने की ट्राई करती है पर वो खिड़की खुल नहीं रही होती है क्योंकि जॉन ने सारी खिड़की पर लकड़ी लगवा दी होती है। उसके बाद फिर केली घर का फोन ट्राई करती है पर वो भी काम नहीं कर रहा होता है। फिर केली टॉम के रूम में जाती है पर टॉम रूम में नहीं होता है। तभी केली अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करती है पर पुलिस भी उसका फ़ोन पिक नहीं करती है। उसके बाद केली जॉन को कॉल करती है, जॉन भी उसका फ़ोन पिक नहीं करता है और जॉन उस वक्त एक क्लब में बैठा होता है। फिर केली नीचे जाकर मेन गेट को खोलती है पर जॉन ने उसको भी लकड़ी से बंद कर दिया होता है। केली लॉन्ड्री रूम में देखती है कि एक खिड़की की लकड़ी थोड़ी सी हटी होती है। केली फिर उस लकड़ी को तोड़ने की ट्राई करती है तभी इसकी आवाज टाइगर सुन लेता है और उस रूम का दरवाजा तोड़ कर अंदर आ जाता है। पर केली तभी एक बाइक में जाकर छुप जाती है। टाइगर उस रूम में घूम रहा होता है तभी केली के फोन में पुलिस की कॉल आती है पर टाइगर उस फोन पर पैर रख देता है जिससे वो फोन टूट जाता है। केली बहुत डरी होती है, वो पाइप में अपने आप को रोकने की बहुत ट्राई कर रही होती है ताकि वो उस पाइप से नीचे ना गिर जाए पर तभी केली का पसीना पाइप से नीचे गिर जाता है और ये टाइगर देख लेता है जिसके बाद टाइगर केली पे हमला करने की और पाइप के अंदर घुसने की ट्राई करता है। फिर केली उस पाइप के सहारे अपने ऊपर वाले रूम में आ जाती है और उसी रूम में टॉम भी होता है। फिर केली टॉम को लेकर दूसरे रूम में आ जाती है पर टाइगर उस रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। केली टॉम को लेकर बेड के नीचे छुप जाती है। टाइगर इन दोनों को देख लेता है और हमला करता है पर केली और टॉम बच जाते हैं। दोनों भाग कर नीचे आ जाते हैं। फिर केली फ्रिज में से मीट निकाल कर लाती है और मीट में नींद की गोलियां मिलाकर मीट के टुकड़े को घर में फेंक देती है ताकि टाइगर इनको खाकर बेहोश हो जाए। पर तभी टाइगर भी नीचे आ जाता है और मीट खा लेता है पर टाइगर पर नींद की गोलियों का कोई असर नहीं होता है। उधर केली टॉम को लेकर एक रूम में छुप जाती है पर टाइगर वहां भी आ जाता है। टाइगर जैसे ही रूम के अंदर आता है वहां उसका कोई दिखाई नहीं देता है क्योंकि केली टॉम के साथ एक अलमारी में छुपी होती है। फिर टाइगर इन दोनों को अलमारी में छुपा हुआ देख लेता है और अलमारी पे हमला कर देता है। तभी केली अलमारी के एक साइड को तोड़कर निकल जाती है और टाइगर केली के पैर पे पंजा मार देता है जिससे वो घायल हो जाती है। उसके बाद केली टॉम को लेकर फिर से नीचे आ जाती है और नीचे आकर केली फिर से खिड़की तोड़ने की ट्राई करती है।
तभी उसकी नजर गन की बुलेट पे पड़ती है, पर वहां पर गन नहीं मिलती है और केली गन को ढूंढ रही होती है। फिर केली को कुछ लाइफ इंश्योरेंस के पेपर नजर आते हैं जिसमें लिखा होता है अगर इन दोनों को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस का सारा पैसा जॉन को मिल जाएगा। अब केली को पता चलता है कि घर में टाइगर को किसने छोड़ा है और जॉन उसका फोन क्यों पिक नहीं कर रहा है। इसके बाद केली फिर से गन ढूंढती है और इस बार उसको गन मिल जाती है। दूसरी तब जॉन को दिखाते हैं जो एक क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है और एक पुलिस वाले से बात कर रहा होता है। वो पुलिस वाले को बताता है कि वो एक सफारी पार्क खोलने वाला होता है। ये सब जॉन इसलिए कर रहा होता है कि ताकि कोई उस पर शक ना करे। अब केली फिर से लॉन्ड्री रूम में जाती है पर इस बार टाइगर देख लेता है और उसका पीछा करता है और इस बार केली खिड़की की लकड़ी तोड़कर बाहर निकल जाती है और सीधा जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर केली सोचते हैं कि उसका भाई टॉम अब भी घर के अंदर है। केली फिर से घर के अंदर चली जाती है अपने भाई टॉम को लेने के लिए। तभी केली को टॉम मिल जाता है और टॉम से केली बोलते हैं कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, वो जहाँ भी जाएगी टॉम उसके साथ जाएगा। फिर केली टॉम को लेकर बाथरूम में जाती है, वहाँ एक लकड़ी पर कपड़ा बांधकर आग लगा देती है ताकि वो टाइगर को उससे दूर रख सके। फिर केली टॉम को बोलते हैं लॉन्ड्री रूम में चलो। तभी घर की लाइट चली जाती है, घर में अंधेरा हो जाता है और टाइगर कहीं नजर नहीं आता है। फिर टाइगर एकदम से केली पर हमला करता है पर केली टाइगर को आग दिखाती है और जिससे वो बच जाती है। उसके बाद केली टाइगर पर गोली चला देती है जो टाइगर के सिर को छूकर निकल जाती है। उसके बाद केली टॉम को लेकर एक बड़े से फ्रिज में छुप जाती है। अब मॉर्निंग हो जाती है और घर की लाइट भी आ जाती है और दोनों फ्रिज से बाहर निकल जाते हैं। अब जॉन भी मेन गेट से अंदर आता है और उसके पास एक गन होती है। फिर जॉन केली को देखकर ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और जॉन मेन गेट को बंद कर देता है, जिस पर केली बोलती है कि वो ये सब किसी को नहीं बताएगी और टॉम को लेकर कहीं दूर चली जाएगी। और फिर केली को यहाँ पता लगता है कि जॉन ने ही केली की माँ को मारा था। तभी टाइगर जॉन पे हमला कर देता है और उसको मार के खाने लगता है। फिर केली और टॉम चुपचाप घर से बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2010 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग 5.3 है। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।